जय हिंद जय भारत। इस समय मैं हूँ दीपचंद बंधु अस्पताल में और कोविड की वैक्सीनेशन कराने के लिए आई हूँ। कोविड की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए फौरन। और हो रही है वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। हाँ, स्लॉट थोड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्लॉट मिले आपको वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। मैं इस समय कोविडशील्ड का इंजेक्शन लगवा रही हूँ और इस महामारी में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा बुखार आएगा, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो इंजेक्शन लगता था तो हमें भी बुखार आता था। तो कोई भी वैक्सीनेशन अगर हम एंटीवायरस करवाते हैं तो फीवर आता है, उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हमारे को इम्यूनिटी देती है उस वायरस के खिलाफ। देखिए, मैं आपको यहाँ का सीन दिखाती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड भी लगा रखा है, आई गॉट माई COVID-19 वैक्सीनेशन टुडे। और ये पूरी रजिस्ट्रेशन की टेबल लगा रखी है, बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। चेयर्स रख रखी हैं, दूर दूर लोग बैठे हैं, पूरी एहतियात के साथ, 2 गज की दूरी के साथ, सबने डबल मास्किंग कर रखी है। और सब बड़ी ध्यान से यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन करवाने के बाद हमको यहाँ पर बिठाया गया है, आधे घंटे के लिए वेट कीजिए, ताकि ये लोग देखते हैं कि अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी नहीं आएगी उसको। और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है आज। तो आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन फौरन कराओ, स्लॉट लो और अपने आसपास के कहीं पर भी डिस्पेंसरी हो या अस्पताल, जहाँ पर भी आप करवा सकते हो, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। बीमारी कोई आती है तो उसका इलाज भी होता है, और जब हमारे हिंदुस्तान में ये इलाज है तो क्यों ना करवाया जाए। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और कैसे हैं आप सभी? अस्पताल में मुझे आपसे बात करना अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमोद बेबले जी, जय श्री राम जी। हाँ जी, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ, डबल मास्किंग कर रखी है, सिर पर कपड़ा ढक रखा है, पूरा बॉडी को कवर करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं हाथों में। और वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। अब देखते हैं ये जो इच्छाधारी नागिन है कोरोना क्या क्या रंग दिखाती है। बहुत लोग आए हुए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, ये देखिए। कईयों ने अपनी सेकेंड डोज लगवाई है, कईयों ने अपनी फर्स्ट डोज लगाई है, और इतनी बड़ी टेबल रखी है और ये लोग एक एक करके सबको बुला रहे हैं, पेपर्स बनाकर दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपकी हो गई है। और सभी तरह के लोग आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं। और ये नहीं है किसी को शुगर है, बीपी है तो वो नहीं लगवा सकता, हर कोई व्यक्ति इसको लगवा सकता है। तो बस यही बताना था कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं करवाया तो प्लीज़ करवा लीजिए। स्लॉट मिल रहे हैं, मुश्किल से मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं, स्लॉट लीजिए, अस्पताल में समय से पहुँचिए और वैक्सीनेशन करवाइए। जल्द मिलती हूँ, घर जाने के बाद नहाएंगे और हाथ पैर अच्छे से सैनिटाइज करके तब घर के अंदर घुसना है, और उसके बाद जाते के साथ ही नहा लेना है। तो ये काम ज़रूर करना, कभी भी घर से बाहर जाओ, खासकर अस्पतालों में, तो अपने आप को फुली सैनिटाइज कर रखिए, ग्लव्स पहनिए, डबल मास्क पहनिए और घर आते ही नहा लीजिए। चलिए, घर जाके मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।